गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग याशिका जी। नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैम? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ जी, हाँ जी, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। ये समय की बड़ी रिक्वायरमेंट है जो आपने ये काम किया है। आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। वी आर ऑनर्ड इन फैक्ट टू हैव यू विद अस। थैंक यू, थैंक यू। Pritesh, are you there? Yes, sir. Should we start if you allow? Yes, yes, please. Okay. So, यहाँ पे उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। आज इस मुश्किल घड़ी में हम सब स्वस्थ और सकारात्मक रहें ऐसी कामना करते हुए आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और हर तरफ देख रहे हैं कि कई जगह निगेटिविटी और निगेटिव न्यूज कुछ ज्यादा तरीके से फैल रहा है और इससे हम लोग बहुत चिंतित और परेशान हैं। लेकिन उसके इस परेशानी के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत ऐसी भी कहानियां हैं, घटनाएं हैं जो हमें सकारात्मक सोच की ओर बढ़ाता है। जैसे कि कुछ समय पहले ही आप लोगों ने सुना होगा कि 107 साल के एक वृद्ध पुरुष ने कोरोना को हार दिया है। एक परिवार ने योग की मदद से कोरोना को हरा दिया। तो ऐसे कई सारे घटनाएं हैं जिनको हम मद्देनजर रखें तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी बढ़ता है। और एक जैसा कि महान पुरुष कह गए कि मन के हारे हार मन के जीते जीत, तो ऐसी सोच के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस जो हमारा कैंपेन है कोविड 19 पॉजिटिव वाइब्स, इसकी शुरुआत की गई है। और आज के जो वक्ता है मिस याशिका त्यागी जी एंड मिस्टर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी। तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी का स्वागत करता हूं और इनके बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा कि सर ग्रीक लैंग्वेज के प्रोफेसर हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ग्रीक चेयर इंचार्ज हैं। आप 2015 से 2016 आपने एनएसएस ऑफिस संभाला, उसके बाद 2016 से प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं और आपके संरक्षण में ही एनएसएस जेएनयू ने काफ़ी तरक्की और काफ़ी फूला फला। सर ने अपनी पीएचडी ग्रीक लैंग्वेज में की है, ग्रीक से, और आज का जो प्रोग्राम का पूरा संरक्षण है वो सर के माध्यम से होगा। मैं सर को वेलकम करता हूं आज के प्रोग्राम के लिए। सर प्लीज। थैंक यू प्रीतेश। जैसा आपने कहा कि ये बहुत संकट का समय है, ना सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि विश्व में अनेक देशों के लिए और अनेक संस्कृतियों के लिए, समाज के लिए विपदाएं विश्व में आती रही हैं। ये पेंडेमिक्स हर 100 साल में एक बड़ा विपदा विश्व ने देखी है और पिछले 100-150 साल में तो इनफैक्ट ना सिर्फ महामारियां बल्कि दो विश्व युद्ध भी इस दुनिया ने देखे हैं। तो आज जब हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं, इस पॉजिटिविटी को देखने में भी निगेटिविटी देखने में आई है। मैं सोशल मीडिया को फॉलो करता हूं तो ये देखता हूं कि जब हम ऐसे समय में पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो भी क्वेश्चन मार्क्स उस पर लग जाते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये हमारा ध्यान हटाने की कोशिश तो नहीं है या सुनियोजित षड्यंत्र तो नहीं है कि लोग सरकारी तंत्र की विफलता की ओर इंगित ना करें। ऐसा भी सोशल मीडिया पे देखने में आया है। ये भी एक तरह का अवसाद है, अवसाद से उत्पन्न इस तरह के विचार हैं तो हमें बहुत आश्चर्य होता है। और अनेक पक्षों से इस निगेटिविटी को, इस अवसाद को इस तरह देखने की जरूरत है कि कैसे इन विचारों को हम रोक सकें आने में, ताकि पॉजिटिविटी का संचार तो हो ही हो, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए हम पॉजिटिव मोड में या ये पॉजिटिव पथ पे लोगों को अग्रसर कर सकें। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कई बार अपने बातचीत में कि राष्ट्र एक संकल्पना है, राष्ट्र एक आइडिया है। अच्छे राष्ट्र के लिए, महान राष्ट्र के लिए सभी समाज कोशिश करते हैं और महान राष्ट्र को पाने के लिए एक जो टूल होता है, जो मशीन होती है, वो राज्य होती है और राज्य कई संस्थाओं से मिलके बनता है। तो
इन संस्थाओं के कार्य को हमें देखना होता है कि मशीनरी अच्छी तरह काम कर रही है, राज्य अच्छी तरह काम कर रहा है या नहीं। अगर राज्य अच्छी तरह काम नहीं करेगा तो हम एक महान राष्ट्र का की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। और जितने भी राष्ट्रवादी संस्कृतियां हैं या राष्ट्रवादी समाज हैं या राष्ट्रवादी दल हैं, वो सब एक महान राष्ट्र की संकल्पना को मस्तिष्क और मन में लिए राज्य की मशीनरी को यूज करना चाहते हैं, राज्य को यूज करना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम राज्य जिन इकाइयों से मिलके बनता है, जिन संस्थाओं से मिलके बनता है उन संस्थाओं की ओर कई बार ध्यान नहीं दे पाते। और संस्थाएं चूंकि सजीव लोगों का समूह होती है और उन सजीव लोगों के ज्ञान के ऊपर, अनुभव के ऊपर, उनके अंदर मौजूद संवेदनाओं के साथ ये जो मशीनरी है वो बनती है, उनकी तरफ हमें ध्यान देना होता है। जब भी कभी दुनिया में विपदाएं आई हैं तो जो सचेत राष्ट्र हैं, जो महान राष्ट्रों की श्रेणी में गिने जाते हैं आज, उन्होंने पिछली कमियों से सीखा और अपने इस इन टूल्स को मजबूत किया, राज्य की मशीनरी में ऑयलिंग की और वो आगे बढ़ गए। सबसे अच्छा उदाहरण जर्मनी का है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल तबाह हो गया था, लेकिन आज भी वो उतने ही सशक्तता से खड़ा हुआ है जैसा वो कभी हुआ करता था वर्ल्ड वॉर वन से पहले। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच में भी जब ह्यूमिलिएशन से उभरने की कोशिश कर रहा था, तब भी वहाँ विकास का काम किसी ना किसी गति में इस तरह से हुआ, साइंस में खास तौर से। यद्यपि उसका भयावह रूप भी विश्व ने देखा, लेकिन उसके बाद से जर्मनी के लोगों ने, उस भयावहता से निकलने के बाद जर्मनी के लोगों ने अपने देश को पुनः एक सशक्त राष्ट्र के तौर पर खड़ा कर दिया। हमारे सामने रूस का उदाहरण भी है। रूस ने अनगिनत परेशानियां झेली हैं और अभी भी वो विश्व की सबसे बड़ी ताकत के तौर पे है। ऐसा ही हम अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं कि जहां सिविल वॉर हुई, देश टूट के कगार पे था, लेकिन लोगों ने अपने पास से सीखा, पॉजिटिविटी का संचार रखा और वो देश या वो राष्ट्र आज महान राष्ट्रों की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो ये सब बात ध्यान में रखते हुए आज का हमने सेमिनार का टॉपिक ये रखा है कि कैसे हम अपने अतीत से लेसन्स लर्न कर सकते हैं, इस पैंडेमिक से हम क्या लेसन्स लर्न कर सकते हैं ताकि हम अपने राष्ट्र का फ्यूचर बेहतर कर सकें, हम एक सशक्त राष्ट्र बना सकें या उस संकल्पना को साकार दे सकें जो हमारे महान नेताओं ने आज तक सोची है। लेसन्स मैं कुछ तरफ इशारा कर देता हूं, बाकी आज हमारे साथ कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी हैं जो कि इस राष्ट्र की संकल्पना को संपूर्ण करने में जो सबसे सशक्त एक संस्था होती है सेना, किसी भी राष्ट्र की सेना उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत सक्षम और बहुत योग्य अफसर हैं और अफसर रही हैं और आज की तारीख में भी अपनी सेवाएं शिक्षा के क्षेत्र में, ट्रेनिंग के क्षेत्र में दे रही हैं। तो वो हमारे बीच हैं, मैं कुछ बिंदु रखता हूँ, उसके बाद मैं उनको आग्रह करूँगा कि वो इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू हमें क्या वो ज्ञान दे सकती हैं, क्या किस तरफ वो हमें अपना एक उद्बोधन दे सकती हैं जिससे हम ये पॉजिटिविटी और मोटिवेशन हमारे यूथ में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और हम अपने लक्ष्य की ओर बेहतर तरीके से बढ़ सकें। मेरे मस्तिष्क में जो कुछ बिंदु आते हैं वो कुछ इस तरह हैं कि एक तो सबसे महत्वपूर्ण लेसन जो हम सीख सकते हैं इस COVID-19 पेंडेमिक से ये है कि अभी भी हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे हैं, हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब जिस तरह से गांव-गांव में पेंडेमिक फैल रहा है और गांव के लेवल पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट शून्य है, ये बड़ा दुखद है। हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको हम अभी तक ना तो ह्यूमन रिसोर्सेज से इक्विप कर पाए हैं और ना ही जो फिजिकल मटेरियल है, जो दवाइयाँ हैं या जो डायग्नोस्टिक सिस्टम्स हैं उनसे इक्विप कर पाए हैं। तो हम पीछे हैं, ये लेसन हमें मिल रहे हैं कि
कितना दिक्कत हो रही है आज की तारीख में, अगर हमने ये 70 साल से ध्यान दिया होता इसको मजबूत करने पे, तो शायद हम इस पेंडेमिक को बेहतर तरीके से टैकल कर सकते थे। प्रोफेशनलिज्म की कमी हमें हर तरफ दिखाई देती है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो, चाहे वो पैरामेडिकल प्रोफेशन के लोग हों, इवन जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो भी एक 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 पर्टिकुलर स्ट्रेस लेवल पे जाके, जहाँ पे उनको लगता है कि, जैसे हमने देखा कि पिछले साल जो समाज सेवी संस्थाएं थी बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया और वो आगे आई और समाज को काफ़ी उपयोग दिया, लेकिन अभी दूसरी लहर के समय पे वो उतना उपयोगी नहीं हो सकी। इसके पीछे दोनों कारण हैं, एक तो उनकी थकान भी, वो थक गए, स्ट्रेस में आए, संसाधनों की कमी भी है, और दूसरा शायद किसी अन्य संस्था के द्वारा उन्हें उतना सहयोग आज की तारीख में नहीं मिल पा रहा जितना वो पहले मिल रहा था। एनजीओज के बारे में एक कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो हमें ये बताती हैं कि अभी हमें इस मामले में प्रोफेशनलिज्म को और बेहतर करने की ज़रूरत है। प्रोफेशनलिज्म हमें कैप्टन यशिका बताएंगी कि हम कैसे इस तरफ ध्यान दे सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी में एथिक्स और मोरल का इशू एक बड़ा इशू है। हम देख रहे हैं कि कई ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो अनफॉर्चुनेटली नहीं आनी चाहिए थी, जैसे जो लोग समाज सेवा के लिए बाहर निकल रहे हैं उनके ऊपर वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे वो ब्यूरोक्रेसी से बेहतर संबंध में बना के चल पाएं, और दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं जिसकी वजह से कुछ समाजसेवियों के ऊपर FIR वगैरह भी दर्ज करने की बात आई है। ये भी प्रोफेशनलिज्म की कमी की वजह से हो रहा है। हमें ये लेसन्स भी कहीं ना कहीं से लर्न करने होंगे या इंश्योर करना होगा कि प्रोफेशनलिज्म का लेवल हमारे देश के लोगों में, हमारे देश की संस्थाओं को चलाने वाले लोगों में और हमारे नेतृत्व में बढ़े। एजुकेशन सिस्टम को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम को नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। हमने देखा कि कई जगह पैरामेडिकल स्टाफ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी ठीक से लगा नहीं पा रहा है लोगों को। अब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, हम बड़ी पॉपुलेशन है, विश्व के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज में से हैं, और पैरामेडिकल होते हुए भी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ना होना, ये हमारे सिस्टम की कमी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है। कहीं ना कहीं हमने मैं एक शिक्षक हूँ इस नाते मैं ये कह रहा हूँ, और विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, देश का नामी विश्वविद्यालय है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद हमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है इस क्षेत्र में, कि जिन शिक्षकों को और जिन स्टूडेंट्स को हम समाज में सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं कि उनके ज्ञान को हम बहुआयामी बना पाएं, मल्टीपल एस्पेक्ट से हम उनको ज्ञान दे पाएं। और मैंने NSS में रहते हुए कोशिश की, जिसका नतीजा आज ये संगठन के तौर पे है, Qualcomm आपके सामने है, Qualcomm ये कोशिश कर रहा है, और हमें ऐसी ही कितने ही संस्थाओं की और ज़रूरत पड़ेगी जिसमें स्वयं अपनी इच्छा से, स्वयं अपनी शक्तियों का संचार करके व्यक्ति देश की सेवा के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए निकल पड़े। ऐसी सोच हमें हर शिक्षक में और हर शिक्षार्थी में भरनी पड़ेगी, तब जाके हम इस तरह के पैंडेमिक्स को हैंडल करने के लायक अपने आप को बना पाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपने मुख्य वक्ता और आज की मेहमान कैप्टन याशिका त्यागी जी से आग्रह करता हूँ कि वो हमें अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, और उनका विशद अध्ययन है विषयों पर और उनका अनुभव भी है, उनके पास अनुभवजन्य ज्ञान भी है और उनके पास किताबजन्य ज्ञान भी है, तो इन दोनों तरह के ज्ञानों का समन्वय करते हुए हमारे यूथ को, जो कि आज पूरे देश से जुड़ा हुआ है आपके साथ, कई शिक्षक भी जुड़े हुए हैं और कई NGOs में काम करने वाले वॉलंटियर्स भी जुड़े हुए हैं, उनको उद्बोधन दें, उनको बताएं कि इस दिशा में हम कैसे बेहतर सोचें, कैसे पॉजिटिव रहें और महान राष्ट्र की संकल्पना को पूरा कर पाए। आपका स्वागत है। थैंक यू अनिल जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। और मैं शुरुआत करूंगी एक शब्द से जो आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, और वो है तगड़ा रहो। तगड़ा रहो एक असम रेजिमेंट का सैल्यूटेशन है जो विश करता है सबको, जो ये सबके लिए आशा करता है कि आप तंदुरुस्त रहें।
आप तगड़े रहे, आप मेंटली फिजिकली रोबस्ट रहे। और आज के तारीख में जब हम पैंडेमिक की स्थिति से गुजर रहे हैं तो ये एक आशीर्वाद है, तगड़ा रहो। मैं आप सबको ये विश करती हूँ, ये मेरे मन से डिजायर है आप सबके लिए, आपके परिवारों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, कि तगड़ा रहो। जिससे मिले उसे भी बोले तगड़ा रहो। कहते हैं ना टेलीपैथी में और शब्दों में बहुत ताकत, जैसे दुआओं में ताकत होती है वैसे ही हमारे टेलीपैथी में भी ताकत होती है। विश एवरीवन गुड हेल्थ। ये देश इस दौर से निकलेगा, पैंडेमिक कोई परमानेंट स्थिति नहीं है, परमानेंट स्थिति है हमारा स्टेट ऑफ मोरल। एक पंजाब रेजिमेंट में कहते हैं चढ़दी कलां, ये एक ऐसा शब्द है जो कहता है बी ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ हाई मोरल। आपको बाहर की दुनिया, आपको बाहर के कष्ट बहुत नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आज की तारीख में देखा जाए तो ये वायरस है जो हमारी हिम्मत को तोड़ने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है, लेकिन हम जीतेंगे। आज कठिनाई का दौर है लेकिन हम इसके आगे निकलेंगे। ये जो थॉट है इसको कॉन्स्टेंटली अपने अंदर बोलते रहना है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ टर्म जो आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। एक होते हैं पेसिमिस्ट लोग जो कभी कोई सॉल्यूशन नहीं देखना चाहते, उन्हें हर जगह प्रॉब्लम नजर आ, वो भी गलत। दैट इज वन एक्सट्रीम। एक है ऑप्टिमिस्ट लोग जिन्हें कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं नजर आती। मैं कहती हूं मध्यम मार्ग है, बी अ रियलिस्ट, नो दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स। लाइक अ पेसिमिस्ट डोंट सी प्रॉब्लम एवरीवेयर, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो उसे एक्नॉलेज करें। और एक ऑप्टिमिस्ट की तरह ये सोचे कि इस प्रॉब्लम के आगे हम निकल सकते हैं। और एक रियलिस्ट की तरह एक मध्यम मार्ग निकालते हुए ये सोचे कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैं क्या कर सकता हूं या मैं क्या कर सकती हूं। हम पूरी दुनिया के अलग अलग कामों को नहीं कर सकते। जैसे कि डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर ही करेगा, शिक्षक का काम है वो शिक्षक ही करेगा, सरकार का काम है वो सरकार करेगी। लेकिन इन सब के बीच में, ये सब जो सोसाइटी का हिस्सा है, इसके बीच में मैं क्या कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो आज जो हम इधर सब मिलके इकट्ठा हुए हैं और हम ये सेमिनार कर रहे हैं, सॉरी वेबिनार कर रहे हैं, इस वेबिनार का एक अंडरलाइन फैक्टर ही यही है कि मैं इस तकलीफ की घड़ी में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकता हूं। तो सबसे पहली चीज, तगड़ा रहो, तंदुरुस्त रहे। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ वेलबींग, देन आई एम सर्टेनली नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द फिजिकल वेलबींग, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल वेलबींग, आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनल वेलबींग, I am talking about social well-being. इन सब से मिलकर जुड़कर बनेगा एक तंदुरुस्त इंसान। मैं एक फौजी ऑफिसर हूं और अपने फौज की नौकरी के दौरान मैंने बहुत कठिन जगह पोस्टिंग्स करी। वॉलंटियर करके मैं एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट और हाई एल्टीट्यूड की पोस्टिंग पर गई। मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ी। कारगिल, जैसा आप सबको पता है, कारगिल इज अ हाई एल्टीट्यूड एरिया जहां बहुत ऑक्सीजन की कमी है, जहां और जब आप ऊंचाई पर जाते हैं जैसे सियाचिन ग्लेशियर की तरफ, सिक्किम में ऐसी बहुत पोस्ट है जो हाई एल्टीट्यूड में है, नॉर्थ ईस्ट में और भी बहुत जगह है, जम्मू कश्मीर की बहुत हाई एल्टीट्यूड की जगह है जहां ऑक्सीजन की भारी कमी। लेकिन फौजी वहां डटा रहता है,
कैसे? ये मैं आपको टॉक में आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आज कुछ भी और बोलने के पहले मैं आप सबको जो इस देश का यूथ है आप सबके लिए नमन करती हूं। आई सैल्यूट यू। मेरी तरफ से आप सबको बहुत ढेर सारी बधाई। क्यों? क्योंकि जो ये कोविड की सेकेंड वेव आई इसने हमारे पैरों के नीचे से मानो जमीन खींच, हाहाकार मच गया। अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस हैव कम अप। वी फेल शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन, प्लाज्मा, इंजेक्शंस, मेडिकल फैसिलिटीज, फार्मास्यूटिकल सपोर्ट, लेकिन आपने इतनी मजबूती से काम किया, जो टूल आपके हाथ में था, जो हथियार आपके हाथ में था, आप सेना हो ना देश की, आपके हाथ में जो टूल था और वो था आपका स्मार्टफोन, थ्रू द मीडियम ऑफ ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, आप लोगों ने जिस तरीके से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, बेड्स की अवेलेबिलिटी, प्लाज्मा की अवेलेबिलिटी और इन सभी चीजों के लिए कॉल सेंटर्स एस्टैब्लिश किए, यू शेयर्ड इंफॉर्मेशन, एंड नॉट ओनली शेयर्ड इंफॉर्मेशन, आप लोगों के अंदर जो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था या है, मैं थावर्ड यूज नहीं करूंगी बिकॉज वी आर स्टिल इन दैट सेम सिचुएशन, जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाया, दैट शेयर ओनली वेरीफाइड डेटा, आप लोगों ने कितने लोगों की जान बचाई। ऐसी यूथ जिस देश के पास हो वो देश हार नहीं सकता। आप सब लोगों ने स्लिंगशॉट मैकेनिज्म के बारे में सुना होगा, जैसे गुलेल होती है, गुलेल को खींचने के लिए या गुलेल से निशाना लगाने के लिए पहले आपको वो गुलेल पीछे खींचनी पड़ती, ताकत से पीछे खींचनी पड़ती। पीछे जाने का मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हो गए, क्योंकि हम जितने पीछे आएंगे हम उतने ताकत से और उतने फोर्स के साथ आगे जाएंगे और अपने टारगेट को पाएंगे। आज शायद उस स्लिंगशॉट मैकेनिज्म के हम इस दौर में हैं जब हम पीछे जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि कोई मैकेनिज्म देश में वर्क नहीं कर रहा, देश में कोई एजेंसी वर्क नहीं कर रही, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो शायद या हमें दिख नहीं पाती या शायद जिसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जब ये स्लिंगशॉट मैकेनिज्म से हम आगे निशाना लगाएंगे, व्हेन वी विल गो फॉरवर्ड, तो दुनिया देखेगी, मुझे इसका पूरा यकीन है। जैसे अनिल जी ने अभी शुरुआत में कहा कि बहुत सारी एजेंसीज के काम करने के तरीकों में इंप्रूवमेंट की उम्मीद है, मैं यहां पर सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, एक फौजी होने की हैसियत से एक फौजी तरबियत आपके साथ शेयर करूं, और वो ये कि जब हम किसी क्राइसिस के बीच में होते हैं, जब हम किसी मुश्किल दौर से निकल रहे हैं, जब हम किसी ऑपरेशन को अंजाम दे रहे होते हैं, तो उस समय हम करेक्शंस की ओर नहीं देखते, उस समय हम ये नहीं सोचते कि हमने पहले ये कर लिया होता तो आज हमें मुश्किल नहीं होती। ऑफ कोर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब हम क्राइसिस के बीच में होते हैं तो हमें जरूरत है कि मानसा, वाचा, कर्मणा, हर तरीके से हम उस क्राइसिस से बाहर निकले। वी मस्ट पूल ऑल आर रिसोर्सेस, ऑल आर एनर्जी, ऑल आर मेंटल स्ट्रेंथ, ऑल आर फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑल आर नॉलेज, all our expertise, all our hands, and go ahead and cross that obstacle.
ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल, ये पैंडेमिक एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल, बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो आज जरूरत है इस क्राइसिस से उबरने की। देयर विल बी टाइम फॉर लुकिंग बैक एंड थिंकिंग ऑफ करेक्शंस। वो समय आएगा जब हम सोचेंगे कि कहां और कैसे करेक्शन की गुंजाइश है, लेकिन आज जरूरत है कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। फौज हमें यही सिखाती है। आज मैं आपके सामने वो ही सब शेयर करना चाहती हूं जो मैंने सीखा। मैंने सीखा फौज में कि जब हम एक साथ होकर लड़ते हैं, जब हम एक साथ मिलकर खेलते हैं, जब हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो हम उस चीज में जीत हासिल करते हैं। पैंडेमिक ने हमको यह सिखाया है दैट लाइफ इज प्रेशियस, नॉट द लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल डिफाइन करने वाली सारी चीजें बंद। आज बड़े बड़े कपड़ों के ब्रांड्स के स्टोर्स बंद हैं, आज मॉल्स बंद हैं, होटल्स बंद हैं, सिनेमा हॉल्स बंद हैं। अगर आपके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं तो आपके पास वो कपड़े पहनने के और बाहर जाने का मौका ही नहीं है। टुडे इज द टाइम दैट वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन लाइफ। आज हमें पता चल रहा है कि लाइफ प्रेशियस है। जो हमारा रूटीन था वो सब चेंज हो गया। आप तो कॉलेज वाले लोग हैं, आपका कितना रूटीन चेंज हुआ? डू यू मिस दोज राइड्स इन मेट्रो? डू यू मिस योर कॉलेज कैंटीन? वो कॉलेज के फेस्ट याद आते होंगे, वो चाय की टपरी याद आती होगी, वो दोस्तों के साथ डिबेट्स और डिस्कशंस याद आते होंगे। यस, लाइफ हैज चेंज्ड एंड After this pandemic, a new world order will come. इसके बाद हम शायद कभी भी pre-corona days के जैसे बिल्कुल चीजें वापस वैसी हो जाए, शायद वैसे हम नहीं हो पाए। शायद इसके बाद हमेशा हम किसी को गले लगाने से पहले चार बार सोचेंगे, हम किसी से शेक हैंड करने से पहले चार बार सोचेंगे। Because now the threat is very real. हमने बहुत अपनों को खोया है। हर घर या तो किसी नजदीकी के साथ हमने यह हादसा होते देखा, या तो हमने खोया है लोगों को, या हम उन्हें मौत के मुंह से वापस लेकर आए। In our friends circle, in our neighbors, in our colonies, in our colleges, हमने देखा है कि ये पैंडेमिक बहुत लोगों की जान लेकर है। ये जो नुकसान हुआ है, ये शायद हमें एज पर्सन, एज पीपल हमेशा के लिए चेंज करेगा और हमें सोचने के लिए मजबूर करेगा कि हम कहां गलत। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये सोचने का समय आज नहीं है, आज मौका है इसके आगे निकलने का। सबसे पहली चीज, यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ, यू हैव टू टेक अ प्लेज, एक कसम खानी होगी कि मैं कोरोना का शिकार नहीं होगा। अच्छा, ये कसम तो आपने खाई। दूसरा सवाल, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कोरोना ना हो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सो देयर इज अ प्रोटोकॉल दैट इज लेड आउट, जो बहुत बार रिपीट की जा रही है और शायद इतनी बार रिपीट हो रही है कि लोग कॉम्प्लेसेंट हो रहे हैं। आज हथियार नीचे रखने का समय नहीं है, आज जरूरत है अपने हथियार को पकड़ के रखने का
और अपने दुश्मन से आंख में आंख डालकर मुकाबला करने का। आज जरूरत है कि जो हथियार हमारे पास हैं कोरोना नाम के दुश्मन से लड़ने के लिए, उनका हम पूरा इस्तेमाल करें। मैं कारगिल वॉर वेटरन हूं, और जब हम कारगिल की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमें दुश्मन दिख रहा था, हमें दुश्मन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी। लेकिन आज जो हम ये कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दुश्मन हमें नहीं दिख रहा, ये दुश्मन इनविजिबल है। ये दुश्मन उस आईईडी की तरह है, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की तरह है, जो कहीं भी छुपा हो सकता है। इट कैन बी लर्किंग एनीवेयर। ये घात लगाकर बैठा है। कोरोना वांट्स यू टू लोअर डाउन योर गार्ड। लेकिन आप हिंद की सेना है, आपने दुश्मन को जीतने नहीं देना है। सो द फर्स्ट स्टेप, मैं कोरोना का शिकार नहीं होऊंगा। आई विल वेयर माय मास्क, आई विल प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, आई विल वॉश एंड सैनिटाइज माय हैंड्स, एंड आई विल टेक द वैक्सीन। लेकिन प्लान बी, अगर मुझे कोरोना हो गया, सपोज देयर इज हर्ड इम्यूनिटी कमिंग इन, सपोज देयर इज अ माइंडलेस स्प्रेड ऑफ दिस, तो मैं क्या करूं अगर मुझे कोरोना हो जाए? तो मैंने ये कसम खानी है कि मेरे से ये कोरोना किसी को ट्रांसफर नहीं होगा। दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज इन योर हैंड्स। आज ये सोचने का समय नहीं है कि हॉस्पिटल ने काम नहीं किया और सरकारों ने काम नहीं किया। नो, आज का टाइम है ये सोचने का कि मैं क्या कर सकता हूं। तो मैं ये कसम खा सकती हूं कि मैं अपने आप को कोरोना नहीं होने दूंगी। मैं अपनी रक्षा करूंगी, अपने परिवार की रक्षा करूंगी। और मान लीजिए अगर मुझे कोरोना हो भी जाता है, तो मैं वो पूरा प्रोटोकॉल करूंगी कि मुझसे ये कोरोना किसी दूसरे को स्प्रेड ना। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखिएगा, इस कोरोना के आगे वही निकल पाएगा जिसके पास वॉरियर माइंडसेट है, जिसका दिमाग एक योद्धा की तरह सोचता है, जिसके दिमाग में सॉल्यूशंस हैं, जिसके दिमाग में एक्शंस हैं, वही इसके आगे। आपने देखा कि कोरोना की वजह से कई बिजनेस बंद हो गए। एक व्हाट्सएप पे इमेज आई थी जिसने मुझे इतनी उम्मीद की किरण दी। दिस वॉज अ शॉप ऑफ अ ज्वेलर। उसके पीछे बोर्ड लगा है किसी ज्वेलर शॉप का, लेकिन आज के टाइम पर कोई इंसान जेवर खरीदने के लिए बाहर नहीं जा रहा, तो उस ज्वेलर की शॉप पे कोई काम नहीं चल रहा था। उसने क्या किया? समय की मांग, वो आगे बढ़ा। He opened a grocery shop. उसने अपनी दुकान में एक ज्वेलर्स का काम बंद करके और किराना की दुकान खोली। लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स के जरिए फोन नंबर्स पे अपने किराना दुकान का मेन्यू कार्ड उनको व्हाट्सएप किया, ऑनलाइन या फोन के जरिए उनके ऑर्डर्स दिए, और अपने आसपास जितने यंग बच्चे थे, आपके जैसे यूथ थे, उन्होंने मास्क लगाकर बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए वो जो सामान था वो लोगों के घर घर पहुंचाया। कितने कोरोना पीड़ितों की मदद करी जो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, कितने बूढ़े लोगों की मदद करी जो घर के बाहर नहीं निकल सकते थे। दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग, दिस इज नॉट टॉक्सिक पॉजिटिविटी माइंड यू, दिस इज पॉजिटिविटी, एक्शनेबल पॉजिटिविटी। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक लेडी जिसने रिसेंटली एक बच्चे को जन्म दिया, उसने ये व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज सर्कुलेट किया कि मैं आज की स्थिति में किसी तरीके से बाहर निकलकर मदद नहीं कर सकती हूँ, मैं कोई ऑक्सीजन प्लाज्मा नहीं अरेंज कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं अपनी छाती का दूध
किसी ऐसे बच्चे को पिलाऊं जिसकी माँ या तो कोविड वार्ड में मरती है या जिसकी माँ नहीं रही। क्या ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी है? नो, दिस इज एक्शनेबल पॉजिटिविटी। आपके हाथ में जो है वो करिए। आपके आस पड़ोस में अगर किसी की तबीयत बहुत खराब है, आप उनके घर खाना भिजवा सकते हैं। हाँ, दिस अगेन आई सॉ वन एड वेयर दिस लेडी इज मेकिंग फूड फॉर कोविड पेशेंट्स, और जब वो डिस्पोजेबल डब्बों में खाना बंद कर रही है तो उनका छोटा सा 3 साल का बच्चा उस डब्बे के ऊपर स्माइली फेसेस बना के गेट वेल सून लिख रहा है। 3 साल का बच्चा तो खैर स्माइली फेस ही बना सकता है, जो दूसरा बड़ा बच्चा था वो लिख रहा है। तो आप सोचिए, जब वो खाना कोविड पेशेंट के पास आया और उसने वो देखा उसके ऊपर कि गेट वेल सून लिखा है, आप सोचिए कितनी हिम्मत बढ़ती है। दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ तगड़ा रहो, खुद भी तगड़े रहे और दूसरों को भी तगड़ा रखे। मानसा वाचा कर्मणा, बहुत बड़े बड़े वादे करने की जरूरत नहीं होती है। छोटी छोटी चीजों से ही हम बहुत बड़ा चीज ला सकते हैं। मैंने बात करी आपसे वॉरियर माइंडसेट, कैसे मैं एक वॉरियर की तरह इस कोरोना से लड़ू। कोरोना इज अ वॉरलाइक सिचुएशन। मैंने बोला ना, जैसे ये दुश्मन हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये दुश्मन घर घर में घुसने को तैयार बैठा है या घुस चुका है और नुकसान कर चुका है और लीलने को तैयार है। हमने इसके इरादों को कामयाब नहीं होने देना। कहते हैं ना, जंग की घड़ी आ चुकी, खुखरी पर तिलक हो चुका, केसरिया बाना बन चुका, अब तो इस कोरोना के लिए हम तैयार हैं। पहली चीज हम फौज में कहते हैं, नो योर एनिमी। अपने दुश्मन के बारे में जानिए, कौन है दुश्मन? दुश्मन है कोरोना। दुश्मन की क्या स्ट्रेंथ है, दुश्मन की क्या वीकनेस है, कहां है ये दुश्मन? ये दुश्मन जो कोरोना नाम का दुश्मन है, ये तैयार बैठा है हमारे मुंह से, नाक से, आंखों से हमारे अंदर आने के लिए। उसको अंदर घुसने का रास्ता ही मत दीजिए। Keep wearing your face mask and if possible wear a face shield. Thank God that this virus is not transmitting through a carrier. प्लेग की तरह ये चूहों से नहीं फैल रहा, डेंगू की तरह ये मच्छर से नहीं फैल रहा। ये कैरियर हमको बनाता है, ये कैरियर हमारे आसपास की हवा को बनाता है। हमने इसको इसके रास्ते पर रोकना है। वी नो हाउ इट इज मूविंग एंड वी मस्ट स्टॉप इट। आपको एक एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, हाई पोस्ट्स के ऊपर, जो हाई एल्टीट्यूड पे पोस्ट्स होती हैं, वहां ऑक्सीजन की तो कमी है ही, इसके साथ ही साथ जो सोल्जर्स वहां पोस्टेड रहते हैं वो 5 महीने 6 महीने तक एक लॉकडाउन की स्थिति में है। दे आर देयर इन कंप्लीट लॉकडाउन, दे स्टे इन अ बंकर, दे स्टे इन अ पोस्ट फॉर ऑलमोस्ट 5-6 months। सिर्फ वही मुट्ठी भर लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं, कोई नया आदमी उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अपने दिमाग को कमजोर नहीं पड़ने देते। और सिर्फ यही नहीं कि वो पोस्ट पे है, देयर इज अ कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ एनिमी। हर वक्त दुश्मन के साथ लड़ने को वो तैयार है। दे आर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ अलर्टनेस। तो जब हम बात करते हैं कि फौज लॉकडाउन में रहती है, माने जो हाई पोस्ट पे, हायर
एल्टीट्यूड की पोस्ट पे जो जवान है वो एक पीरियड एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लॉकडाउन में है, ना उनके पास टेलीविजन होता है, ना उनके पास इंटरनेट है, ना उनके पास स्मार्टफोन्स है। यदि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है तो शायद ट्रांजिस्टर पे उन्हें रेडियो का सिग्नल मिल जाए, लेकिन उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। ऐसे में फौजी अपने मोराल को हाई रखते हैं। दे आर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ अलर्टनेस। हाउ? दे कीप टॉकिंग टू ईच अदर, दे कम्युनिकेट। वो आपस में एक दूसरे के मनोबल को बढ़ाते जाते हैं। आज हमारी स्थिति भी यही है। वो तो जंग के मैदान में बैठे हैं, वो तो एलओसी पर बैठे हैं, वो तो दुश्मन के गोलियों का मुकाबला भी कर रहे हैं। हम तो घरों पे हैं, हमारे पास तो एयर कंडीशनर है, हमारे पास तो स्मार्टफोन्स हैं, हमारे पास तो घर चलता हुआ घर है। What we have to do? We have to break the chain of spread of corona. और हमने औरों की मदद करनी। जैसे मैंने बोला, मदद कहीं भी किसी भी तरीके से की जा सकती है। छोटे से छोटा तरीका भी ढूंढ के निकालिए, उसका रिपल इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। Use this lockdown period for upgrading yourself, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जिंदगी फिर आएगी। हम फिर अपने जीवन के टुकड़ों को इकट्ठा करके वापस से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज हमारे देश को हमारी जरूरत है। Our country does not want broken youth. Our country needs strong youth. एक ऐसा जज्बा चाहिए कि जब हम इसके बाद बाहर निकलें, जब हम इस कोरोना की महामारी के बाद बाहर निकलें, तो हम एटलीस्ट वी आर 10% मोर अपग्रेडेड देन प्रीवियस टाइम। वी शुड बी 10% मोर फिजिकली फिट देन प्रीवियस टाइम। We should be 10% more mentally alert. We should be at least 10% more sensitive to our society. मैं आपको बताऊं, मैंने लॉकडाउन में क्या किया। जब लॉकडाउन की पहली वेव आई और हम सब घर के अंदर बंद थे, then I could not go out for my motivational speaking. I could not go out and meet people. So what did I do? मेरे बच्चों ने मेरी मदद करी और मेरा YouTube चैनल establish किया। हमने एक चैनल बनाया Shaurya Tales, और इस चैनल के जरिए फौजियों की, फौजी traditions की, फौजी trivia की, फौज के लिए तैयारी कैसे करनी है, इन सब के बारे में एक YouTube चैनल शुरू किया। क्योंकि मैं घर में बैठकर सोसाइटी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूं, मैं सिर्फ मनोबल ऊंचा रख सकती हूं। और इसके लिए जब ज्यादातर लोग अपने मोबाइल फोन्स पर, स्मार्टफोन्स पे हैं, तो आई शुड रीच देम थ्रू दैट स्मार्टफोन। दैट वॉज द टाइम आई स्टार्टेड माई इंस्टाग्राम पेज। उससे पहले आई वॉज नॉट ऑन इंस्टाग्राम। I started putting snippets on Instagram, जिससे कि मैं लोगों का मनोबल बढ़ा सकूं। मैंने एक वीडियो डाला 3 दिन पहले तगड़ा रहो के ऊपर, 2 मिनट का वीडियो। आपको पता है, this video went viral, क्योंकि असम रेजिमेंट का जो ये सैल्यूटेशन है तगड़ा रहो, ये एक यूनिवर्सल ब्लेसिंग है। मैंने टॉक के शुरू में ही कहा था कि इट इज लाइक आशीर्वाद। और आज हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के कोने कोने में हर इंसान कोरोना से लड़ रहा है, और हर एक को उस एक यूनिवर्सल विश की जरूरत है, उस यूनिवर्सल आशीर्वाद की जरूरत है। 2 दिन के अंदर ये वीडियो मिलियंस ऑफ हिट्स हो गया।
लोग शिकागो, एम्स्टर्डम, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, दुबई, हिंदुस्तान में कर्नाटक के छोटे छोटे गांव, आई हैव सीन 90 ईयर ओल्ड लेडीज अपने बच्चों को फोन करके कह रही है तगड़ा रहो। डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट्स को कह रहे हैं दवाई देने के साथ तगड़ा रहो। दिस इज पॉजिटिविटी। और जब हम, जैसे मैं बार बार कह रही हूं, मनसा वाचा कर्मणा, जब हम इससे पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हैं तो यूनिवर्स कहता है तथास्तु। यूनिवर्स हमारे उस मैसेज को दुनिया भर में लेकर जाएगा, जैसे वो मेरे वीडियो को लेकर गया। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड कि मैं जो कर सकती मैं वो कर रही और मैं वो करती जाऊंगी। आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप अपने हिसाब से जो कर सकें वो करें, जो कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करें। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कोरोना के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, चीजों को करने का तरीका बदलेगा। एक बहुत बड़ा जो फैक्टर हर एक की जिंदगी पे इस समय एक डेमोक्लेस सोर्ड की तरह टंगा है, वो है अनसर्टेनिटी। कॉलेज खुलेंगे या नहीं, अनसर्टेनिटी। सिविल सर्विसेज के एग्जाम होंगे या नहीं, अनसर्टेनिटी। कब होंगे, ऑलरेडी पोस्टपोन हो गए। 10वीं के एग्जाम पोस्टपोन हो गए, 12वीं के एग्जाम कब होंगे। नौकरी चली गई, घर का खर्चा कैसे चलेगा। एक अर्निंग मेंबर था, उसकी कोरोना में डेथ हो गई, घर कैसे चलेगा। बूढ़े माँ बाप हैं, आगे जिंदगी कैसे बिताएंगे। कितने बच्चे यतीम हो गए, आगे जिंदगी कैसे बढ़ेगी। ये बहुत रियल क्वेश्चन है, दे आर वेरी हार्श ट्रूथ्स। लेकिन आज जिंदगी हमको रुकने का मौका नहीं दे रही। वी हैव टू बी रेडी फॉर We have to take the factor of uncertainty out of our heads. Physically, उसको दिमाग से निकालिए और फेंकिए। क्यों? क्योंकि uncertainty का जो ये thought है, ये एक loop की तरह है। It is only going to bring you thoughts of gloom and doom. आपको लगेगा कोरोना के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा इसके बाद सब तबाह है। आपको सिर्फ नेगेटिविटी नजर आएगी। नो, आपने एक चीज याद रखनी है कि जितनी गहरी रात होती उसके बाद सुबह जरूर आती है। आपने वो सुना है, देह शिवा वर मोह यही, शुभ कर्मण से कब हूं न टरू, न टरूं और सो जब जाए लड़ू, निश्चय कर अपनी जीत करूं। यही आपका मंत्र होना चाहिए, पॉजिटिविटी एंड एक्शंस। अपने दिमाग में पॉजिटिविटी की जगह को इतना बढ़ा दीजिए कि आप सिर्फ ये सोचें कि मैं इसके आगे बढ़ सकता हूं। कैसे बढ़ूं? थिंक ऑफ एक्शंस, थिंक ऑफ हेल्पिंग अदर्स, थिंक ऑफ अपग्रेडिंग योरसेल्फ, थिंक ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, थिंक ऑफ बीइंग एन असेट टू सोसाइटी, थिंक ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अबव एवरीथिंग। गलतियां निकालने जाएंगे, गलतियां नजर आएंगी। वो कहते हैं ना कि आप जिस चीज को प्रैक्टिस करें आप उस चीज में महारत कर लेते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अगर आप गलतियां ढूंढने की प्रैक्टिस करेंगे, बाय गॉड आप गलतियां ढूंढने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। यू विल ओनली बी एन एक्सपर्ट इन फाइंडिंग आउट नेगेटिव थिंग्स। लेकिन अगर आप एक्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे, अगर आप पॉजिटिव एक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे, एक्शनेबल पॉजिटिविटी, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे।
you will have an aura. You will have strength of character. डर किसको नहीं लगता? क्या मुझे डर नहीं लगता कि हो सकता है I may be next victim of corona. क्या पता मैं ना रहूं? लेकिन जब ये मन में ख्याल आए उसे दिमाग से निकाल, shift your mind, shift your focus to another thing. फौज में हम एक बहुत बढ़िया चीज करते हैं and that is called box breathing. आपने सुना है box breathing के बारे में? गूगल जरूर करिएगा what is box breathing. सांस अंदर लीजिए and count till 4 and then hold it to the count of. Slowly release that breath, count till 4 and then hold count of 4. This makes a box. और जब आप अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपका दिमाग फट जाएगा. कॉन्सेंट्रेट ऑन प्राण वायु. हमें प्राण चाहिए आज, हमें वायु चाहिए आज. और ये दोनों चीज आपके अपने पास. बिफोर आई फिनिश आई वुड लाइक टू गिव यू जस्ट अ स्मॉल इनपुट एज टू वॉट यू कैन थिंक बियॉन्ड. कोरोना के बाद जैसे मैं बार बार कह रही कि चीजों को करने का तरीका बदलेगा. फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में आप देखिए होटल्स का बिजनेस नहीं हो रहा लेकिन टेक अवे फूड जॉइंट्स का बिजनेस बहुत ज्यादा है. लोग मॉल में नहीं जा रहे लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है. होटल्स में जो कमरे हैं, जो लोग होटल्स छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाते थे वो होटल्स को कम यूज कर रहे हैं लेकिन अब होम स्टेज का बिजनेस ज्यादा बढ़ रहा है. तो देयर इज गोइंग टू बी अ शिफ्ट. थिंक ऑफ फ्यूचर, थिंक कि आगे आने वाले समय की क्या डिमांड. इफ आई कैन जस्ट गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स देन एवरीथिंग दैट हैज टू डू विद ऑनलाइन बिजनेस इज गोइंग टू टेक अ ह्यूज लीप. गिव योर माइंड that focus. उसमें ढूंढिए कि आप कहां फिट हो सकते हैं. There can be online deliveries, जैसे Zomato, इस तरीके के online, there are cloud kitchens, there are online deliverables, there are online fitness. आपको आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे जिम के लिए लेकिन online there are so many workouts available. So those kind of online physical fitness is there. Now government has okayed the psychologists counseling through online methods. That is available. Telemedicine is available. Online dating apps are going to do very good business now. Online bookshops. There are lots and lots of bookstores coming up that way. Lot of entertainment and streaming agencies are coming up. Something like Netflix. Well, Netflix is a very big player, but similar to that, the entertainment and the live streaming things are going to have a very big business. Online gaming is going to be a huge thing. Now, people have seen that बहुत ज्यादा ऑनलाइन जब हम छोटे बच्चों को एक्सपोजर देते हैं दे आर मिसिंग आउट ऑन लाइफ स्किल्स. सो चिल्ड्रन टॉयज, द क्रिएटिव टॉयज आर गेटिंग अ बिग मार्केट नाउ. यू कैन थिंक समथिंग ऑन दोज लाइंस. व्हाट टू डू विद गिविंग द किड्स अ नियर टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स आर कमिंग अप, वर्चुअल रियलिटीज, देन touchless technology or contactless technology. So there are so many things that are going to come up in a huge way. Bajaye ye sochne ke ki ab naukri milegi nahi, ab aage sectors kam ho rahe hain, economy ka bahut down trending aa rahi hai, hamare paas karne ko kya bachega, we are going to be without job. No, you will have more and more and new sectors coming in. The green shoot industries are going to come up in big way.
एंड लेट मी टेल यू, ये समय ऐसा है जब पूरा वर्ल्ड हैज बिकम लाइक अ लेवल प्लेइंग, पूरे दुनिया को एक सी मार पड़ी है. तो न्यू एंटरप्रेन्योर्स आर बीइंग रिसीव्ड विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. कुछ नया सोचिए, वो सोचिए जो जिंदगी को आसान बनाता है और सोसाइटी के लिए हेल्पफुल बने. वंस अगेन आई वुड लाइक टू लीव यू विद द सैल्यूटेशन, तगड़ा रहो, मन से तगड़े रहिए, वचन से तगड़े रहिए, कर्म से तगड़े रहिए. मे यू हैव अ हैप्पी हेल्दी ब्लेस्ड लाइफ. आपके पूरे परिवार, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके नेबर्स, आपके कम्युनिटी के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं. भगवान करे कोरोना का समय जल्दी खत्म हो और जिंदगी वापस धर्रे पर आए. जय जय हिंद कैप्टन त्यागी जी. आपका उद्बोधन बहुत नई दिशाएं और बहुत उत्साह दे गया होगा हमारे यूथ को. बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए हैं. प्रतीश जी, क्या कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं ऑडियंस से? अगर आए हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, 10 मिनट या 5 मिनट? बिल्कुल जी सर, एक क्वेश्चन आया है स्टार्टिंग में ही. हाँ, शुड आई रीड और यू विल रीड आउट? आप सर, क्वेश्चन ये है कि जस्ट अ सेकंड. सर, द क्वेश्चन इज व्हाट शैल बी द अल्टरनेटिव व्हेन आवर ओन फैमिली इज इन वन what shall be the alternative when our own family is the one with negative facts around us and continuous hearing all such creates negative environment? So what shall be the solution of this? What shall we do as an individual for this? मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर तो पूरा ये लेक्चर ही इस प्रश्न का उत्तर ही है. Yes sir. फिर भी याशिका जी से कि दो शब्द कह दें. फैमिलीज के बीच में आपको रहते हुए क्या पॉजिटिविटी की जा सकती है, यही पूरा संदेश था. यशिका जी कुछ कहना चाहेंगी तो. देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है विच सेज दैट चैरिटी बिगिंस एट होम. तो हम दुनिया में पॉजिटिविटी लाने की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा. और ये हमेशा याद रखिए कि जब नेगेटिव बातें होती हैं तो उसके पीछे हमेशा माइंड में कहीं ना कहीं कोई डर होता है, कोई इनसिक्योरिटी होती है, और वो इनसिक्योरिटी नेगेटिव शब्दों के रूप में बाहर आती है. आज जैसे मैंने बोला, अनसर्टेनिटी का माहौल ऐसा है कि कहीं से कोई चीज हमें आशा या उम्मीद से भरी हुई नजर नहीं आ रही. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो फियर क्या है, वो एंग्जाइटी क्या है, वो डर क्या है जिसकी वजह से परिवार में लोग नेगेटिविटी की बातें कर रहे हैं. अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे परिवार में लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो मुझे ये पूरा यकीन है कि आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं, तभी आप ये नोटिस कर सक रहे हैं कि मेरे परिवार में लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है दैट यू एड्रेस दैट फियर. आपने देखा होगा कि जब बच्चा चलना शुरू करता है तो हमको यह डर लगता है कि बच्चा गिर जाएगा और उसे चोट लग जाएगी. लेकिन अगर आप धीरे 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 करके ये बच्चे को प्रैक्टिस दें तो आपके अपने मन से भी डर खत्म होता है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, पर्सनल, बड़ा डोमेस्टिक एग्जाम्पल आपको देती हूँ. मेरा बेटा बहुत छोटा था और हल्की हल्की सितंबर अक्टूबर की वो गुनगुनी धूप होती है, मैंने बच्चे को नहलाया और उसको अंदर से स्वेटर पहनाया और ऊपर से एक टी शर्ट पहना दी. मेरी मदर इन लॉ के मन में एक डर आया कि बच्चे को ठंड लग जाए. मैंने उन्हें दिखाया शर्ट उठा के कि देखिए इसने अंदर से स्वेटर पहना है, लेकिन दादी का मन है. उनके मन में वो डर था कि बच्चे को ठंड लग जाएगी,
नाउ आई हैव टू गिव अ विजुअल अफर्मेशन टू हर. तो मैंने क्या किया, बच्चे का जो वो अंदर वाला स्वेटर था वो निकाला और उसको टी शर्ट के ऊपर से पहना दिया. अब दादी ने देख लिया कि स्वेटर ऊपर से पहना हुआ है, उनके मन का वो डर खत्म हो गया और उन्होंने ये बोलना भी छोड़ दिया कि बच्चे को ठंड लगे. सो इफ यू सी दैट फैमिली इज फेसिंग सम नेगेटिव थॉट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, और उस थॉट को, सिर्फ उस एक चीज को एड्रेस करिए. और जब आप पॉजिटिव रहेंगे घर के अंदर, तो याद रखिए एक दिया, कितना भी अंधेरा हो वो एक दिया रोशनी करता है. तो आप अपने घर के अंदर वो एक दिया तो बन ही सकते हैं. और देखिएगा धीरे धीरे करके सब लोग आपसे उम्मीद बांधने लगेंगे, सब आपकी ओर देखेंगे, एंड देन यू विल एमर्ज एज एज अ वेरी पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग. यू विल एमर्ज एज अ पॉजिटिव पर्सन. और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो जिंदगी भर हमारे साथ है. तो आज हम लोग छोटी से छोटी उम्मीद की ओर देख रहे हैं. आप उम्मीद दिखाएंगे तो आपका परिवार आपकी ओर देखेगा. दैट इज ऑल आई हैव टू से. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ लॉन्ग आंसर, गुड आंसर. एंड एज दिस होल सेमिनार, होल वेबिनार हैज गिवन आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस ऑलरेडी आस्क्ड. मेनी क्वेश्चंस हैव बीन गिवन, यू नो, ड्यू proper answer in during this whole lecture. तो ये जो आप लोग सब जुड़े विभिन्न जगहों से इस लेक्चर में, कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है कि कैसे हम आने वाले समय में जानकारी मिलेगी हमें बाकी वेबिनार्स के लिए, तो आप Qualcomm वेबसाइट पे जाइए, उस पर सारी कार्यक्रम का जानकारी रहती है. मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर आज का वेबिनार महत्वपूर्ण था. आपको बहुत बहुत धन्यवाद याशिका जी हमसे जुड़ने के लिए. थैंक यू, थैंक यू. इतना अनुभव और अपने अनुभव से और मजबूत करने के लिए, तगड़ा रहने का सीख देने के लिए. थैंक यू. मोस्ट ऑफ दीज वॉलंटियर्स आर स्टूडेंट्स, अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रतीश जो संचालन कर रहे हैं, ये JNU के पहले नेशनल यूथ अवार्डी हैं. इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है. जब मैं NSS देख रहा था JNU में, तब ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा तगड़े रहे. एक कुछ समय ऐसा भी आया कि सिर्फ कोऑर्डिनेटर और एक वॉलंटियर के सहारे हमने प्रोग्राम चलाए. हमारे पास वॉलंटियर नहीं थे. JNU में बहुत उथल पुथल रही है पिछले सालों में. तो मैं अगर कहता था 5 बजे पहुंचना है तो लोग नहीं आते थे, तो 5 बजे 2 ही लोग होते थे प्रोग्राम में, मैं और प्रतीश. और इन्होंने जिस तरह मेहनत की उसका इनको पुरस्कार मिला, राष्ट्र में पहचाना इनके देश में रिकॉग्नाइज. बहुत बधाई. तो ऐसे बहुत यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं, मेहनत से लगे हुए हैं. और निश्चित तौर पर आज के आपके उद्बोधन ने उनको बहुत मोटिवेट किया है. थैंक यू. पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद. और आशा करते हैं कि पुनः Qualcomm के प्लेटफॉर्म पर या किसी और प्लेटफॉर्म पे आपसे मुलाकात होगी. जरूर, आप मुझे बिल्कुल बुलाइए. मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि ये मेरा मिशन है कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं इस यूथ को आगे दिशा देने के लिए अपने एक्सपीरियंस शेयर जैसे भी कर सकूंगी मैं अपना सहयोग. बहुत धन्यवाद. आई वुड लव टू वर्क विद यू अगेन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you, ma'am. And thank you, everyone over here. So this is the closing of our program, and we are closing this. And if you want any kind of updates regarding the Qualcomm, you may visit www.qualcomm.org. Or baki jo details hain Facebook, Twitter, we have already sent in the chat box. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.
धन्यवाद मैम।